वो महकते पलकों की ओट से तारा चमका था रात में, मेरी बंद मुट्ठी न खोलिए, वही कोहिनूर है हाथ में। आज मेरे हाथ में भी कुछ ऐसी रोशनी है गीतों की, जो आपको जरूर रोशन कर देगी। ये गीत बस एक बार ही कान में पड़े थे और इन्होंने हमारे दिलों में जगह बना ली, तो फिर छेड़ते हैं उन्हीं गीतों के तार जो कहलाते हैं सदाबहार, एवरग्रीन। जी हाँ, निशिगंधा के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे बहुत ही खूबसूरत सदाबहार गीत और साथ रहूंगी मैं माधुरी आज रात। मन क्यों बहका मन क्यों बहकारी बहका आधी रात को, बेला महका हो बेला महकारी महका आधी रात को। हो मन क्यों बहकारी बहका आधी रात को, बेला महकारी महका आधी रात को। किसने जिसने पलकी चुराई आधी रात को, मन क्यों बहकारी बहका आधी रात को, बेला महकारी महका आधी रात को। झांझर झमके सुन झमके हो, झांझर झमके सुन झमके, झांझर झमके सुन झमके आधी रात को। उसको टोको न रोको, रोको न टोको, टोको न रोको आधी रात को। रात गुनती
तो बेहतरीन गीतों की बेला महक रही है, आप कहीं ना जाइए, आकाशवाणी का एफएम गोल्ड सुनते रहिए। और अगर बात करें रोमांटिक फिल्मों के एक दौर को की और उसे याद करें तो यश चोपड़ा का ख्याल ज़रूर मन में आता है। यश चोपड़ा ने अपने बड़े भाई बलदेव राज चोपड़ा जी से काम सीखा और उनके लिए उनकी सामाजिक प्रतिबद्धता वाली फिल्में निर्देशित भी की। पर यश चोपड़ा जी का स्वभाव थोड़ा सा अलग था, उनका रुझान अलग था, हमेशा रोमानियत की ओर उनका रुझान रहा। तभी तो जब उन्होंने अपना स्वतंत्र बैनर बनाया तो उसके तले उन्होंने फिल्में बनाई, दाग, कभी कभी, नूरी, सिलसिला, चांदनी और लम्हे, सब के सब एक से बढ़कर एक रोमांटिक। फिलहाल सुनते हैं फिल्म नूरी से ये गीत। आजा रे ओ मेरे दिल भर आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे। ओ आजा रे, ओ नूरी नूरी। उजला उजला नर्म सवेरा रूह में मेरी झांके, उजला उजला नर्म सवेरा रूह में मेरी झांके। प्यार से पूछे कौन बसा है तेरे दिल में आके। आजा रे आजा रे ओ मेरे दिल भर आजा, तू ही आके बता जा रे।
फिर से आस बंधा जा रे, आ जा रे, आ जा रे ओ मेरे दिल भर आ जा, दिल की प्यास बुझा जा रे। रात के पहलू में जब दिन सोता है तो हर करवट यादों की परतें हटाती है और तब कुछ खुशनुमा पल गुनगुनाते हैं, तो कभी कोई सिहरन आंखों को नमी दे जाती है और ये मन पुरानी यादों में खो जाता है। चल लहराए हर रात यादों की बारात ले आए, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन भी गाती है, पल पल दिल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में, ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं, मैं सोच में रहता हूँ डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो।
पूछोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आ आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन आकाशवाणी पर यह है निशिगंधा का सफर, जिसमें माधुरी है आपके हम सफर। और अगला गीत मैं लेकर आ रही हूँ फिल्म पाकीज़ा से। और जब फिल्म पाकीज़ा की बात आती है तो मीना कुमारी भी याद आती हैं, कमाल अमरोही साहब भी याद आते हैं। यूं तो कमाल अमरोही साहब ने अनेक सुपरहिट फिल्में लिखीं, पर महल, दायरा, दिल अपना और प्रीत पराई के बाद उन्होंने मीना कुमारी के साथ पाकीज़ा शुरू की। कुछ रीलें बनने के बाद मीना कुमारी और कमाल अमरोही अलग हो गए। नतीजा ये कि ये फिल्म बीच में ही रुक गई और वर्षों तक रुकी रही। फिर नरगिस के बीच बचाव और प्रयासों के बाद मीना कुमारी ने फिल्म पूरी करने का वादा किया। पाकीज़ा एक गुजरे दौर की संस्कृति के प्रति आदरांजलि थी। और अगर सच बताऊं, अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, YouTube पे देखें, और भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं। और इस फिल्म में अभिनय तो है ही है, एक बदलते हुए समाज की दिशा भी आपको दिखाई देती है इस फिल्म में। प्रेम का एक अलग रूप आपको दिखाई देता है, बदलाव की मांग दिखाई देती है, और भी छोटे छोटे आप बहुत से चीजें इस फिल्म में देखते हैं। फिलहाल सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम ही तैयार चलो। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम ही तैयार चलो। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम है तैयार चलो।
चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम भी ये दिलवाले ही कर सकते हैं कि चांद के पार भी किसी बस्ती को बसा सकते हैं। जी हाँ, दिल की बस्ती बस्ती है चांद के पार। और अगला गीत मैं लेकर आ रही हूँ फिल्म अनामिका से। और जब फिल्म अनामिका की बात करती हूँ तो मुझे संजीव कुमार याद आ जाते हैं और उनका अभिनय, बाकमाल अभिनय उनका। आपको पता है संजीव कुमार जी को खाने पीने का बहुत शौक था और फिल्म शोले के बाद संजीव कुमार और अमजद खान ने मिलकर बंगलौर में एक रेस्टोरेंट भी खोला था। संजीव दिल के मरीज थे लेकिन खाने पीने की चाह उस बीमारी से भी ऊपर थी और हमेशा खाने की चाह और दिल की बीमारी के बीच संघर्ष चलता रहा, लेकिन हमेशा जीत पता है किसकी हुई? खाने की हुई, क्योंकि वो खाना नहीं छोड़ सकते थे। तो चलिए सुनते हैं फिल्म अनामिका का ये दर्द भरा गीत। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जल मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी। तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया, जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी तड़प के आए भर भर के, जल मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी। आग से नाता नारी से रिश्ता काहे मन समझ न पाया, आग से नाता नारी से रिश्ता काहे मन समझ न पाया, मुझे क्या हुआ था एक बेवफा पे, हाय मुझे क्यों प्यार आया, तेरी बेवफाई पे हंस जग सारा, गली गली गुजरे जिधर से, जल मन तेरा भी
किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के जल मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी। इस पहर की ये खामोशियां दिल को जहां सुकून पहुंचा रही हैं, वहीं कुछ भूले बिसरे पल भी गुनगुना रही हैं, मेरी तो गुनगुना रही हैं। वक्त की शाख पर बिखरे हुए लम्हे समेट रही हैं। आइए हम और आप भी इन खामोशियों में खो जाएं और अपने आप को समेटने की कोशिश करें।
ये जमी चुप है, आसमां चुप है, फिर ये धड़कन सी बहुत सी बातें करते करते हम रह जाते हैं और बहुत सी बातें जो कह देते हैं और उसके बाद पछताते हैं। तो जहां दिल के रिश्ते हो ना, वहां ऐसी कड़वी बात न करें कि वो जो रिश्ता है वो ख़राब हो जाए या फिर हमें बाद में पछताना पड़े। देखिए, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और इसमें प्यार के लम्हे उससे भी ज़्यादा कम हैं। तो जितना भी ये जो अच्छा सा वक्त है जिसके साथ भी हम अच्छा वक्त गुजारने की कोशिश करते हैं, पूरे दिल से पूरे मन से उस पल को जिएं। हर पल में ज़िंदगी है और ज़िंदगी जीना एक कला है जिसे हर वक्त इंसान सीखता रहता है। फिलहाल ये गीत मैं आपको सुनवा रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत गीत है और मैं तो हद से ज़्यादा पसंद करती हूँ इस गीत को।
फलक से तोड़ कर देखो सितारे लोग लाए मगर मैं वो नहीं लाया जो सारे लोग लाए कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए आज चलता है खुशियों से दिल का पैमाना तेरे लिए कोई धड़का रहा है समा साजे दिल पे गजल गा रहा है सभी के दिलों को ये धड़का रहा है समा साजे दिल पे गजल गा रहा है सारी बातें रुक गई हैं सबकी आंखें झुक गई है तेरी महफिल में शायर कोई मस्ताना तेरे लिए तेरी महफिल में आया शायर कोई मस्ताना तेरे लिए कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना हसी दिन कोई समझा ना तेरे बिन मेरे चेहरे पे दिल ने लिखा है एक अफसाना तेरे लिए मेरे चेहरे पे दिल ने लिखा है एक अफसाना तेरे लिए कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए तुझे दुश्मनों की नजर लग न जाए रहे दूर तुझसे सदा गम के साए तुझे दुश्मनों की नजर लग न जाए रहे दूर तुझसे सदा गम के साए उन गुनाए तू हमेशा मुस्कुराए तू हमेशा गुलशन बन जाए उम्मीदों का हर एक तेरा ना तेरे लिए
गुलशन बन जाए उम्मीदों का हर मेरा ना तेरे लिए कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए आज चलता है खुशियों से दिल का पैमाना तेरे लिए। दिलवाले जो दिलवाले होते हैं उनके तोहफे कुछ ऐसे ही तो होते हैं। और जब दिल की बातें जहाँ चल रही हों, हमारे आपकी बात चल रही हो और रात बीतती जा रही हो, तो सचमुच ये कहने को जी चाहता है कि रुक जा रात। कितना भी चाहे न रात रुकेगी न चंदा रुकेगा और रात जो है इसी तरह बीतती चली जाएगी। और हम
एक बार फिर आपके साथ होंगे 1:10।